440 रुपए को दो भागों में बांटता है। 13,440 रुपए को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 4% वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 6% पर 5 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज का मान मिले, साधारण ब्याज का है बेटा ये, तो प्रत्येक भाग की राशि याद करें। तो पहले भाग की राशि मैंने एक्स मान ली, बेटा कितनी मान ली, और इसने 4% दर पर 3 वर्ष के लिए, तो 4×3 कर दिया, सही, बटे 100% है ना, 2/100। दूसरी राशि को मैंने वाई मान लिया और ये 6% दर पर 5 वर्ष के लिए कर्ज पर दी जाती है, और दोनों स्थिति में साधारण ब्याज समान है। तो इसको करते हुए मान लिया एक्स, सरल ब्याज का सूत्र है सरल ब्याज बराबर मूलधन इनटू टाइम इनटू दर, और इसका वाई मान ली, इसका भी यही हो गया, मूलधन वाई मान लिया ना मैंने, और एस की स्थिति में सोचे को बढ़ जाता है 4×12 x/5 = 30 वाई हो गया बेटा। ये कटेगी संख्या 6 से, 6 का भाग 12 में जाएगा और 30 में जाएगा बेटा, तो 6×2 तो एक्स बराबर 6×5 कितने वाई हो गए, 5 वाई हो गए, सही, बराबर है ना इनके बीच में। तो यहाँ देखिए अब देखे नहीं सके, 6 से काट दिया, 6×12 और 6×5 30, अब देखिए एक्स के सामने कितना है, 5 है बेटा, ये 3 नहीं है 5 है, एक्स के सामने कितना है और वाई के सामने, तो इसका मतलब x/y हो गया 5/2। इस राशि को 5/2 के अनुपात में बांटेंगे ना तो दोनों का सरल ब्याज समान मिलेगा। ऐसी कंडीशन में इस प्रकार से कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है 3a/4b है तो a/b बताएं, तो a के सामने कितना है बेटी और b के सामने, तो कितना हो गया 4/3 हो गया, ऐसे ही है। तो टोटल राशि है अपने पास 13,440 बटे में टोटल अनुपात कितना है, भाई साझा बटाया ना अपने अनुपात को, अनुपात तो इसमें अनुपात का उसका योग करते हैं, एक एक का निकाल दो बेटा 5, 7 से काट दिया हमने इसको, 7×7 कितने बच गए, 6, 7×9 63, 14 ये 96 कितने 96,600 रुपए एक राशि आ गई। दूसरी राशि निकालेंगे तो 920 को आप कितने से गुणा करोगे, अपनी बार 2 से गुणा कर देंगे बेटा, कितनी हो जाएगी 3840 रुपए हो गए, बात समझ में आई आपके। अगर इस प्रश्न में ये कहे आपको कि इसका मिश्रधन समान है तो इनमें आपको क्या करना है, केवल 100 प्लस करना है। अगर ऐसे प्रश्नों में और आ जाए कि आपका ब्याज समान है, अगर ऐसे प्रश्नों में आपसे ये कहे कि मिश्रधन समान है तो आप क्या करोगे, इनमें 100 प्लस कर देंगे, यहाँ कर देंगे 112 और यहाँ 120, इसी प्रकार से कर लेंगे 100 प्लस कर देंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, किसी राशि को पहले 3 वर्ष पर 4% दर पर, अगले 4 वर्ष तक 2% दर पर, अगले 2 वर्ष पर 5% की दर से कर्ज पर दिया जाता है, अलग 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 स्टेट में इसको ब्याज के लिए दे रहे हैं। यदि कुल साधारण ब्याज कितना किन जा रहा है, तो पहले हमने ये बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर्सन को बिठा देता हूं मैं, पर्सन लिखिए ना अपने, देखिए यहां देखिए बेटा, पहले मान लिया राशि एक्स आपके पास कितनी है, एक्स 3 वर्ष पर इसका ब्याज कितना होगा, 3×4/2, फिर यही राशि ये ब्याज हो गया ना, राशि आपने एक्स मान ली, मूलधन आपने कितना मान लिया, एक्स मूलधन मान लिया, तो एक्स मानने के बाद 3×4×7 सरल ब्याज हो गई। फिर अगले कितने वर्ष के लिए इसी राशि का, फिर अगले 4 वर्ष तक 2% की दर से निकालना है तो ये निकाल लिया, फिर अगले कितने वर्ष तक 2 वर्ष तक 5% की दर से, तो एक्स राशि का 2% की दर से 5 वर्ष के लिए ये लगा दिया, और टोटल जब तीनों ब्याजों को जोड़ा तो अपने पास ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 21,000 रुपए अपने को ब्याज प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 21,000 रुपए। तो देखिए आप यहाँ 4×12 x/100 प्लस 4×8 x/100 प्लस 5×10 x/100 बराबर कितने हो गए बेटा, 21,000 हो गए। इसका कोई शॉर्ट नहीं है बेटा, यहाँ आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा इसको। अब इसका लेसेस हो गया बेटा, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगे लेसेस लेने के बाद में, 12×20 और 30x हो गई बेटा, ये कितनी हो गई 30x। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा इसको, 30x/100 बराबर कितने 21,000, ये 100 गुणा में इससे गुणा हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ से उठाकर इसको यहाँ रख दें आप, ये काट दिया 1×3 7 x का मान कितना गया
70,000 नियम राशि 70,000 रुपए वो क्या है मूलधन है इस प्रकार से करना है ओके।